हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की टॉप 5 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में। इन पांचों मूवी में कोई भी मूवी पुरानी नहीं है, ये सभी मूवी हाल ही में रिलीज हुई हैं और इन सभी मूवी की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा अच्छी है। देखिए, वैसे तो ये सभी मूवी एक से बढ़कर एक है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो मूवी रखी है वो इन सभी मूवी से काफी ज्यादा अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं साउथ की टॉप 5 सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के बारे में। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पे जो मूवी है उसका नाम है जॉन लूथर। कहानी की बात करें तो इसमें एक गांव की कहानी देखने के लिए मिलेगी, जहां पर बाइक पे बैठे दो लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट वाली जगह पर सिर्फ एक इंसान की बॉडी मिलती है और एक इंसान की बॉडी मिसिंग होती है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर कर रहा होता है कि इसी दौरान उस गाँव से कुछ और लोग भी किडनैप होने लगते हैं। आखिर कौन उनको किडनैप कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये सब कुछ आपको क्लाइमैक्स में पता चलेगा। इस मूवी का क्लाइमैक्स काफी ज्यादा तगड़ा है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पे जो मूवी है उसका नाम है अनवेसी पिपिन कंडेथम। असल में इस मूवी के अंदर आपको दो कहानी देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें पहली कहानी एक गांव की है जहां पर एक लड़की को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर करता है और वो उस हत्यारे को भी पकड़ लेता है, लेकिन जब उसको अदालत में लेके जाते हैं तो वो वहां से भाग जाता है और एक ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उस पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया जाता है एक ऐसे गाँव में जहाँ उसको 6 साल पुराना एक मर्डर मिस्ट्री केस सॉल्व करना है। अब वो पुलिस ऑफिसर इस केस को सॉल्व कर पाता है या नहीं, वो आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है वो भी काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने होता है फिर भी आप ये नहीं पता लगा पाओगे कि आखिर वो मर्डर किसने किया था। हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है काजू बेथी मॉर्कन। कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको दो दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से एक का नाम भूमिनाथन और एक का मॉर्कन होता है। ये दोनों दोस्त एक गाँव में रहते हैं और इनके बीच काफी अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कोई इनकी दोस्ती में दरार डलवा देता है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है और आगे इस मूवी में क्या होगा, ये जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। हमारी इस लिस्ट में नंबर 4 पे जो मूवी है उसका नाम CSI सनातन। कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर एक कंपनी के CEO का मर्डर हो जाता है। उसके बाद इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करता है सनातन नाम का एक पुलिस ऑफिसर और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक काफी बड़ा खुलासा कर देता है। आखिर वो खुलासा क्या है और उस CEO का मर्डर किसने किया है, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। इस मूवी का क्लाइमैक्स भी काफी अच्छा है। फाइनली हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो मूवी है उसका नाम है मंगलावारम। कहानी की बात करें तो इस मूवी के अंदर आपको एक गांव की कहानी देखने के लिए मिलेगी, जहां पर दो लोगों की हत्या करके उनके बारे में एक गांव की एक पर लिख दिया जाता है, जिसके बाद इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक पुलिस ऑफिसर कर रही होती है, लेकिन उस दौरान सेम पैटर्न से फिर से दो लोगों की हत्या कर दी जाती है और फिर से एक गांव की दीवार पर उनके बारे में लिख दिया जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करते करते उस हत्यारे तक पहुंच जाती है और वो जब उससे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों तुम इन लोगों को मार रहे हो, उसके बाद वो हत्यारा जो उस पुलिस ऑफिसर को बताता है वो काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। मैं आगे की स्टोरी बताकर स्पॉइलर नहीं करना चाहता, आप खुद से इस मूवी को देखो। इस मूवी के अंदर कमाल के ट्विस्ट डाले गए हैं। यहां तक कि जब ये मूवी खत्म होने वाली होती है, सिर्फ 5 सेकंड की मूवी बचती है, तब भी इस मूवी के अंदर आपको एक काफी तगड़ा ट्विस्ट देखने के लिए मिलता है। इस मूवी को एक बार जरूर देखना और जब आप इस मूवी को देख लो तो मुझे कमेंट में आके कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। ये सभी मूवी हिंदी में अवेलेबल है, इसलिए आप इनको आसानी से डाउनलोड करके देख सकते हो। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।